स्टेट का एक रूल्स है, मेघालय का एमएल से शुरू होता है, उसके बाद 01 मतलब किसका है, 01 गवर्नमेंट का है, 01 गवर्नमेंट का हो गया, 02 पुलिस का है, 02 पुलिस का हो गया। भाई कल रात में क्या हो रहा था, कल रात 12:30 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रहा था, और बाहर है ना मतलब कार को इतना ऐसा ऐसा मॉडिफाई करता है ना, उसका साइलेंसर का आवाज़ आ रहा है बुम 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 बुम। सो गाइस सुबह के अभी हो रहे 7 और हम लोग मतलब मेरा तो नींद खुल गया था 5:30 पे, और उठ के नहा कर फ्रेश होकर अभी हम लोग निकल रहे 7:00 निकलते हैं। सो आज का जो प्लेस है, आज हम लोग जा रहे हैं डाउकी। उधर उसी रूट पे 5 या 6 प्लेस आता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमारा जो डेस्टिनेशन है उसी रूट के अंदर जो जो ब्यूटीफुल प्लेस है वो सारे मैं आपको आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो के साथ बने रहना। और भाई कल रात में क्या हो रहा था, कल रात 12:30 तक मुझे नींद नहीं आ रहा था, और बाहर है ना मतलब कार को इतना ऐसा ऐसा मॉडिफाई करता है ना, उसका साइलेंसर का आवाज़ आ रहा है बुम 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 बुम। मैंने एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड किया, वो आप लोग अभी स्क्रीन पर आ रहे, देखो। क्या खतरनाक क्रेजी इधर पे, मतलब क्रेजीनेस है बाइक का और कार का मॉडिफिकेशन का। और अभी तो आज का भी वेदर हमारे साथ ही है, मतलब वेदर पूरा क्लियर है, हाँ पूरा क्लियर है। नहीं तो इधर पे हम लोग आने के पहले बता रहे थे भैया कि बारिश बहुत ही हो रहा था, कंटिन्यू बारिश ही थे। ठीक है, सो यू आर लकी और थैंक्स टू द गॉड। बाकी चलते हैं अभी इधर से और देखते हैं क्या क्या डिस्टेंस मिलता है। फिलहाल तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया, आगे जाके कहीं पर रुक के आराम से करेंगे। सो लेट्स गो। I've been trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off the target's out of sight. Would I be better if I left? So guys, Bilal, जो हम डाउकी जा रहे हैं, ये शिलोंग से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूरी में है। और भैया कल एक बात बता रहे थे ना आप, जो कार का नंबर नंबर वाला, मतलब जैसे इधर मेघालय स्टेट का एक रूल्स है, मेघालय का एमएल से शुरू होता है, उसके बाद 01 मतलब किसका है, 01 गवर्नमेंट का है, 01 गवर्नमेंट का हो गया, 02 पुलिस का है, 02 पुलिस का हो गया, 03 है गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट, 03 है गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब आसानी से पहचान सकोगे किसका कार कैसा है, मतलब कौन सी का कार है। उसके बाद 4 से प्लेस का होता है, अच्छा 4 से अलग अलग जगह का, हाँ, मतलब मेघालय का, हाँ मेघालय स्टेट के अंदर जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया ऐसा वाला, 4 से शुरू हो जाता है। कितना अमेजिंग है भाई, मतलब आप आसानी से आप पहचान पाओगे इसका गाड़ी है, मतलब कौन सी है, बात सही है। और बाकी इधर पे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ भैया ने बताया, आगे आगे धीरे धीरे आपके साथ शेयर करेंगे। तो भी मतलब वो साइज करता है कि नहीं, ये तो ऐसे ही बनता है ना, इस वजह से उसका फॉर्म ऐसा है, फॉर्म ही ऐसा है, वो नेचुरल फॉर्म। और अगर आप इधर पे आ रहे हो तो मेक श्योर आपके पास जियो या फिर एयरटेल होना चाहिए, नहीं तो दूसरा कुछ नेटवर्क इतना इधर पे पकड़ता नहीं है। और एयरटेल तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने भी पिछला वाला एयरटेल से ही मतलब सारा काम किया था भैया के एयरटेल है, और जियो में है परफॉर्मेंस है लेकिन एयरटेल सबसे अच्छा है। कुछ जगह पे जियो बंद भी हो जाता है, कुछ जगह पे जियो चल भी नहीं था। सो आपके ऊपर है, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये आपको बता दिया। रेस्टोरेंट से मैं व्यू दिखा रहा हूँ रेस्टोरेंट का, भाई रेस्टोरेंट से ऐसा व्यू है, तो गाइस ब्रेकफास्ट हमने कर लिया और अमेजिंग फूड था भाई, मतलब सही है, और व्यू के साथ जो लग रहा था ना। सो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, अभी भी रास्ता बाकी है बहुत। तुम खे नहीं जो माँ, चलो
हो कितना ब्यूटीफुल प्लेस है देखो, कि सुंदर ना देखो। और उस साइड में भी जाएंगे, ओदी के जाए बोल लो, किंतु ওখানে তে করে তারপর ওদিকে ট্রাই করবে, কারণ জানা যেতে দিচ্ছে না বললো। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए और सामने का एक बार नजारा देखो आप लोग, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा पीसफुल है। और वो देखो एक ब्रिज दिख रहा है उधर पे, वाओ इट्स अवेसम। उस साइड में ना बॉर्डर है, इधर पे बांग्लादेश भी आता है, ठीक है। अच्छा वही साइडा, उस साइड पूरा बांग्लादेश का, उधर पे बी एस एफ वगैरह भी है, वो वाला साइड। हाँ वो वाला साइड बांग्लादेश का है। चलो नीचे जो है ना गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, तो मैंने थोड़ा इधर आके रुक रहा हूँ और अभी रुक के देख रहा हूँ क्या करना है, क्योंकि बोट में ना 3 बंदे से ज़्यादा अलाउ नहीं है और 800 के कम 4 है, अभी किसी को मिल भी नहीं रहा है जिससे मैं कर पाऊँगा। सो लेट्स सी देखते क्या होता है लास्ट तक। अभी तो फिलहाल मैं ऊपर में आके रुक के है और इधर फिशिंग वगैरह ही होता है, देखो जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, फिशिंग होता है, मतलब ये बोट ले जाएगा आपको उधर से घुमा के लाएगा फिर छोड़ देगा इधर पर, 45 मिनट्स का रहता है। और गाइस ये जो रिवर देख रहे हो इसका नाम है उमगढ़ रिवर, पूरा इधर से आपको लेके जाएगा उमगढ़ रिवर होके फिर वापस उसी से आएगा और बांग्लादेश का उधर पे पॉइंट बॉर्डर पॉइंट दिखा के फिर लाएगा। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बांग्लादेश का बॉर्डर देखने, इधर पे तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ऊपर से आने के बाद इधर पर ज़्यादा ही लगता है, नहीं तो नॉर्मली मतलब इतना गर्मी नहीं है, अगर आप ऊपर शिलोंग वगैरह से आ रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा आपको। बाकी इधर पर ब्यूटीफुल सा ब्रिज है, दिस इज द बॉर्डर और ये है गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। चलो इंडिया तक जाना है गेट पे, उसके आगे बांग्लादेश है। सो गाइस फाइनली अभी हमारे सामने है बांग्लादेश का बॉर्डर, उस साइड बांग्लादेश पड़ जाता है और ये जो इंडिया लिखा है इस साइड पूरा इंडिया है, मेघालय का अंडर है, कितना ब्यूटीफुल है ना। ओहो क्या खूबसूरत, इस साइड तो भाई नज़ारा ही कुछ अलग है। और ये हमारा इंडिया का फ्लैग, इंडिया का शान है। लेट्स सी हम इधर पे कुछ फोटो वगैरह निकालते हैं उसका रस्म। Amends with the demons you've been through, and I can't regret.
खूबसूरत ये है इधर का सबसे बड़ा, इधर का मतलब इस साइड का सबसे बड़ा फॉल्स, वो हिल फॉल्स। ओहो हो भाई, डेंजरस भी है लेकिन, और बहुत बड़ा भी है। पानी आ रहा है और ऊपर से आ रहा है पानी, और इस साइड में फिशिंग भी हो रहा है उधर पे। मुझे फिशिंग कर रहा है इधर, फिशिंग कर रहा है उधर पे। Leaving you alone until you find your way back home. विलेज माना जाता है, छोटा सा विलेज है, और 1902 में ये विलेज 1902 से है,